अच्छा इनका बताएं ये कौन कौन सी है ये मछली, रहु है और माशेर है, मराखी है, तीन किस्म की है। किस तरह किलो है? ये जो बड़ा रहु है ये 500 है, दूसरा जो छोटे वाला है वो 350 है, रहु छोटा 350 है, मराखी भी 350। रहु ये अच्छा काला रहु है, ये छोटा रहु है, अच्छा ये मराखी है, अच्छा मराठी भी कहते हैं इसे। कांटे कांटे किसमें ज्यादा है बस इसमें बताएं। जरा ज्यादा है, इसमें कम है, मोटे कांटे हैं, ये तीन पीस है। अच्छा दूसरे जो उसमें कांटा जरा ज्यादा है, बड़ी छोटी मछली है ना, ठीक है। इसलिए उसमें कांटा जरा तेज है। ये जो बड़ी मछली है इसमें कांटा कम है। अच्छा आप ये वाली 1 किलो कर दें फिर। किलो का नहीं होगी, 1.5 किलो का पीस होगा तकरीबन। हाँ चलो कर दे। रेट क्या लगाएंगे? रेट 500 पूरा, नहीं 450 करें ना। 450 तो नहीं है, मछली छोटी होती है तो उसका वो 350 छोटी है, आधा किलो 3-3 पाव वाली। अच्छा फिर इसके ना पीस बहुत बारीक बारीक पतले पतले बनाएं। फ्राई करनी है जी? ठीक है। फ्राई बना रहे हैं ना जी? फ्राई पतले पतले स्लाइस पतले बना। ठीक है जी ठीक। बर्तन ले आए शापने। थैंक यू। ये वीडियो कितने भेजनी है? बना तो ली है। थैंक यू। ये जी मैं लेके आ गई हूँ फ्रेश फ्रेश फिश मंगला डैम की। अभी मैं इसको मसाले लगाऊंगी और इसको इसको शाम में मैं फ्राई करूंगी। अभी मैं धो के इसको मसाले लगा देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। नेक तमन्नाओं के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फ़िश मैंने ख़रीद भी ली है, उसको मसाला भी लगा लिया और मैरिनेशन के लिए रख दिया है। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद हम लोग उसको फ्राई करेंगे। तब तक मुझे कहीं किसी काम से बाहर जाना है, तो वो काम मैं करके आती हूँ। मुस्तफा को भेज दे। मुस्तफा पूरा नाम? मुस्तफा फारूक के जी। चलो आप बैठो। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, अभी मैं फ्राई करती हूँ। अच्छे से फ्राई हो गई है।
फिलहाल मैंने दो पीस बनाने के लिए आप सबको दिखाने के लिए, बाकी मैं बाद में करेंगे। और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।